खबर दें, कराची से लाहौर जाने वाली ट्रेन कराची एक्सप्रेस में आतिजदगी, हादसे में जाँ बहक अफराद की तादाद सात हो गई। मजीद जानते हैं आज न्यूज़ के नुमाइंदे वसीम सोमरो से। वसीम, अपडेट कीजिएगा। रात को 12 बजे गंपट रेलवे स्टेशन टंडो मस्ती के करीब जो वाकया पेश आया था, कराची एक्सप्रेस बोगी नंबर 18 में अचानक आग भड़क होती थी, जिसमें लोगों ने जान बचाने के लिए ट्रेन से छलांग लगाई थी, जिसमें एक औरत और मर्द जाए वकुआ पर से जख्मी हो गई थी, जो फोत हो गए। तो आज सुबह जो है बाकी जो 4-5 बच्चे थे एक ही फैमिली के, उनकी लाशें मिली है। अभी जो तादाद हो गई है 7 हो गई है। रेलवे हुकाम का कहना है कि चारों बच्चे को फौरी तौर पर आग ने अपने लपेट में ले लिया था, जिसके बाद अभी तादाद 7 हो गई है। सुबह 7 बजे से रेलवे ट्रैक को क्लियर करा दिया गया है। जो मुख्तलिफ मकाम पर ट्रेनें रुकी गई थी उनको अपनी मंजिल की तरफ रवाना कर दिया गया है। वफाकी वजीर साद रफीक ने इस वाक्य का नोटिस लिया है और जो डेड बॉडी है और खैरपुर अस्पताल मुंतकिल कर दी गई है। जी, कराची से लाहौर जाने वाली ट्रेन कराची एक्सप्रेस में आतिजदी का मामला, हादसे में जाँ बहक अफराद की तादाद 7 हो गई। वसीम सोमर अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया।